आशीष, जिन्होंने पहली गेंद पर खाता खोला था, उसके बाद में दो बिंदी गेंदे और पांच पांच ओवर के मुकाबले में बिंदी गेंदे, यहां पर प्रेशर जरूर बढ़ाएंगे, मौका लग रही गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद थोड़ी सी मिडिल लेग स्टंप पर, लोअर फुल टॉस गेंद, धीरे से इसे मिड ऑन की दिशा से खेला, स्क्वायर ऑफ द मिड ऑन की दिशा से खेला, एक रन हासिल किया। इसे एक रन के साथ साथ मौकल ने अपना खाता खोला, बढ़ता हुआ स्कोर चार गेंदों की समाप्ति के बाद दो रन। धीमी शुरुआत एकेएम बॉयज के लिए। रोहित लगातार अच्छी गेंदे करते हुए, बोपी की पहुंच से काफी दूर थी, अगर कोशिश करते तो शायद यहां पर पहुंच सकते थे, लेकिन बोपी वहां पर चौकन्ने नहीं थे, तैयार नहीं थे, क्योंकि पहला ओवर है और बॉडी में अभी तक उतने रिफ्लेक्सेस आए नहीं हैं, थोड़े से सुस्त थे यहाँ पर बोपी, जो कि अच्छे फील्डर माने जाते हैं, अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं लालबाग विभाग के, लेकिन इस मौके पर थोड़े से चौकन्ने नहीं थे। और ये गेंद हवा में है, फरदीन उसके नीचे आ रहा है, ओहो, फरदीन जैसा फील्डर, उसके हाथ से कैच छूटना एक आम बात नहीं हो सकती। पहले षटक संपलेला है, पहले षटकाच्या समाप्तीनंतर एकेएम बॉयज या संघाची धावसंख्या दोन पोचली आहे बिन गडी बाद चार धावा। थोड़ी सी धुई शुरुआत मैं कहूँगा कीर्ति सर, क्योंकि पाँच पाँच ओवर का ये फटाफट मुकाबला है और पहले ओवर में छः से आठ रन बनना ज़रूरी होता है, तो इस लिहाज से अगर मैं बात करूँ, लेकिन कैसे ना कि कब कौन खिलाड़ी यहाँ पर गैर बदली कर ले, चौके छक्कों की बरसात भी हमने इस मैदान पर देखी है और कई बार देखी है। और ये दोनों बल्लेबाज आशीष और मौरकल जिस शैली के बल्लेबाज हैं, गेम का रुख कभी भी मोड़ सकते हैं, तो इट्स वेरी टू अर्ली टू से एनीथिंग इन दिस कॉन्टेस्ट, वी हैव टू वेट फॉर अनदर 20 मिनट्स। तो प्रथमेश मितान शिवल के 11 के लिए दूसरा ओवर लेकर आए हैं प्रथमेश, नौजवान गेंदबाज, प्रतिभाशाली, ऊर्जावान, एक्साइटेड, स्फूर्ति से भरपूर प्रथमेश। प्रथमेश सामना करेंगे इस समय आशीष, जिनको एक जीवनदान मिला था, देखना है कि उस जीवनदान का कितना लाभ उठा पाते हैं अपने टीम के लिए। प्रथमेश की ये गेंद काफ़ी बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेंथ थोड़ी सी पीछे रखी थी, काफ़ी आदर्श लाइन पर, काफ़ी आदर्श लेंथ पर ये गेंद फेंकी थी प्रथमेश ने। आशीष से खेलना चाहते थे, मिड विकेट की बाउंड्री को टारगेट किया था यहाँ पर, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर बोपी के हाथों में। डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए, बिंदी गेंद से शुरुआत करते हुए प्रथमेश, अच्छा रनअप, अच्छा रिदम, अच्छा फॉलो थ्रू। इस बार लाइन से थोड़े से भटके, एक्स्ट्रा कोशिश की थी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था, गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, अंपायर रवि चेंदोनकर ने इसे वाइड बॉल घोषित किया, बढ़ता हुआ स्कोर पाँच रन। प्रथमेश युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज, ओहो क्या बात है, पहुंच से दूर, बल्लेबाज के स्ट्रोक प्लेइंग जोन से काफी दूर गेंद कर रहे हैं, बल्लेबाज को कुछ गेंद और बल्ले में कुछ तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है, कोशिश जरूर कर रहे हैं यहां पर आशीष, लंबे हिट लगाए जाएं, अपने टीम का स्कोर आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अब तक उनको कोई कामयाबी नहीं मिली है, अभी बहुत ही गेंदे आना बाकी है। अच्छी लाइन से, अच्छी लेंथ से गेंदबाजी करते हुए प्रथमेश, और ये गेंद बैट पर ली है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, डीप मिड विकेट, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को यहां पर क्लियर किया है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, फॉलो थ्रू काफी अच्छा था, ऑन द राइज खेला हुआ ये स्ट्रोक था।
उत्तम सिक्सर फॉर एकेएम बॉयज आशीष, जो कि लगातार कोशिश कर रहे थे और उनको इस बार कामयाबी मिली। बड़ा स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए, 6 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए और इसी प्रकार के स्ट्रोक्स की यहाँ पर ज़रूरत है एकेएम बॉयज को। मैदान शिलोन की बैटिंग लाइनअप देखते हुए इसी प्रकार के कुछ और स्ट्रोक्स की भी ज़रूरत होगी। और प्रथमेश एक बार फिर से ऑन द राइज खेला हुआ ये स्ट्रोक है, अंपायर का इशारा डिक्लेयर जोन में जाती हुई 2 रनों का। दो रन आशीष इस समय फॉर्म में लौटते हुए। यस, अंपायर अपना डिसीजन बदलते हुए 6 रन लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर। आशीष जो कि जिनका ये होम ग्राउंड है डिक्लेयर जोन काफी अच्छी तरह से जानते हैं और स्कोर जंप लगा के पहुंचा है। 5 रनों पर स्ट्रगल कर रहे थे, 5 रनों के बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, पूरी तरह से स्कोर बोर्ड बदल दिया है। 17 रन बन चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आशीष की और ये सीधे हाथों से खेला हुआ ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 2 रन का इशारा। अगर थोड़ी सी लॉन्ग ऑफ स्कोर था स्क्वायर अगर खेलते तो शायद ये भी 6 रन हो सकते थे, लेकिन मैदान में डिक्लेयर जोन में जहां पर 2 रन है वहां पर ये गेंद गई। सीधे हाथों से खेला था, बरगद के पेड़ के ऊपर से ये स्ट्रोक था, अन्यथा लॉन्ग ऑफ की दिशा से खेलते तो शायद यहां भी 6 रन मिल सकते थे। बहरहाल 2 रन से संतोष करना पड़ेगा, बढ़ता हुआ स्कोर ही समय जा पहुंचा है 19 रन। आशीष अच्छे लय में दिखाई दे रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी, जूसी फुल टॉस थी, लेकिन काफ़ी तेज गति से फेंकी हुई गेंद थी। आशीष ने बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन गेंद से काफ़ी दूर था उनका बल्ला। आशीष लगातार अच्छे स्ट्रोक्स की तलाश में। इस प्रकार से 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर जाकर रुका है 20 रनों पर। 20 रन बिना किसी नुकसान के। फरदीन काजी के हाथ से जो कैच टपका था वो कैच अब महंगा साबित होता हुआ, क्योंकि चला गेट वर गाड़ी पार्क नहीं करी चाहिए आपल्याला। निलेश जरा चेतन फोंडेकर यांच्याशी आपण संपर्क करा। 2 ओवर के समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर जाकर रुका 20 रनों पर। काफ़ी प्रोडक्टिव ओवर था ये प्रथमेश के। इस ओवर में 2 छक्के हमें देखने को मिले। रोहित की ये गेंद, इस पर मौकल ने बल्ला घुमाया था स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 2 रनों के डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, 2 रन हासिल किए। अच्छे स्थिति में, मजबूत स्थिति में पहुंचती हुई एकेएम की टीम। अभिनंदन क्रीड़ा मंडल फेरबंदर लोकल बॉयज हैं, इस मैदान की भौगोलिक परिस्थिति को बहुत ही अच्छी तरह से भली भति से भांति जानते हैं। कौन से एरिया में कितने रन बनेंगे इसका पूरा अभ्यास है और होम ग्राउंड का यहां पर फ़ायदा उठाते हुए अभिनंदन क्रीड़ा मंडल एकेएम बॉयज के खिलाड़ी मौकल रोहित की अगली गेंद का सामना करेंगे। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर शॉर्ट गेंद थी, मौकल ने इसे जाने दिया। वाइट बॉल का इशारा रवि चेंदवनकर जी का। धीरे धीरे अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई एकेएम की टीम और ये गेंद काफी बढ़िया गेंद थी और यहां पर रन आउट, वाह क्या बात है।
फॉलो थ्रू मैंने गेंद को यहाँ पर फील्ड किया, फील्ड करके काफी जबरदस्त 100 थ्रो रोहित, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, फलस्वरूप खतरनाक साबित हो रहे थे आशीष, जिनको रनआउट करके पेवेलियन का जिनको रास्ता दिखाया, दो छक्के लगा चुके थे और भी कुछ बड़े स्ट्रोक लगा सकते थे, लेकिन रोहित के हर फन मौला प्रदर्शन से यहाँ पर आशीष के विकेट का पतन। स्कोर अभी भी 23 रन। हेलो, ये गेंद शरीर पर आई थी, बैकफुट पर जाके मिड विकेट की दिशा से खेलना चाहते थे, लेकिन पोजीशन में नहीं थे स्ट्रोक खेलने के। सिद्धेश नए बल्लेबाज, एक रन जरूर मिला मिड ऑन में, वहाँ पर फील्ड किया फरदीन और स्कोर 24 रन। लोअर फुल टॉस एक बार फिर से, स्क्वायर लेग की दिशा से खेला हुआ स्ट्रोक, एक रन कंप्लीट किया, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। हेलो, ये फिर से बढ़िया, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली और नए बल्लेबाज सिद्धेश रनआउट होकर पेवेलियन में वापस। चला लवकर आपल्याला पुढील बॅट्समन पाठवायचा आहे, पुढील बॅट्समन लवकर पाठवा प्लीज। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतोय अमोल, ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे मॉकल। अच्छा ओवर चलता हुआ मितांश इलेवन के दृष्टिकोण से, दो विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर रनआउट हुए। सिंग वन टू गो, रोहित की गेंद लेग ब्रेक की गेंद थी, गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, अंत तक गेंद को देखा मौकल ने और पॉइंट बाउंड्री की तरफ एक रन के लिए ढकेल दिया और ओवर की समाप्ति। तीन षटक संपले, तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या दोन पोहोचली थी 26 धावा। अंकुश लगाने में यहाँ पर कामयाब हुए थे रोहित, दूसरे ओवर में दो छक्के आए थे प्रथमेश के उस ओवर में और 15 रन बनाए थे, 16 रन आए थे उस ओवर में, लेकिन यहाँ पर रोहित ने फिर से एक बार कमबैक कराया अपनी टीम मितांश इलेवन को, सिर्फ 6 रन का ओवर फेंका और उनके ओवर में दो रनआउट स्वरूप विकेट भी हासिल हुए उनके टीम को, तो बढ़िया यहाँ पर ओवर था अगर मैं विंताज इलेवन के दृष्टिकोण से बात करूं। ये गोपी, बॉलर से नाम हरीश, नए गेंदबाज हरीश, बैटिंग मार्क पर मौकल। मौकल शुरू से कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन कोई बड़ा स्ट्रोक अभी तक उनके बल्ले से देखने को नहीं मिला है और अब निगाहें जम चुकी हैं काफ़ी देर से बल्लेबाजी करते हुए। हरीश की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी क्योंकि बल्ले गेंदबाज यहाँ पर कोशिश जरूर करता है कि गेंदों की जो लाइन है वो ऑफ स्टंप के बाहर रखी जाए ताकि मिड विकेट पर कोई बड़ा स्ट्रोक ना लगे, क्योंकि बल्लेबाज जो है हमेशा से कोशिश में रहते हैं कि मिड विकेट बाउंड्री को टारगेट किया जाए, वहाँ पर सिक्सर उड़ाया जाए और गेंदबाज इसी कोशिश में ऑफ स्टंप के बाहर अपनी लाइन रखते हैं। इस मैदान में सीधे हाथों से खेला हुआ, दो रनों के लिए डिक्लेयर जोन में जाती हुई ये गेंद, बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन।
दो विकेट के नुकसान पर। हरीश सामना करेंगे एक बार फिर से मोगल, ऑफ स्टंप के एक बार फिर से बाहर, सफल होकर ऑफ स्टंप पर आए थे मोगल। हरीश इस प्रयास में कि गेंदबाज हरीश अपने प्रयास में बल्लेबाज के स्ट्रोक प्रिंट रडार से गेंदों को दूर रखा जाए, और उसी प्रयास में एक के बाद एक दो गेंदे वाइड बॉल फेंकते हुए और ये बढ़िया स्ट्रोक है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा मिडिल किया, अच्छी टाइमिंग, शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट गेंद पर बैकफुट पर गए और सीधे पूरे पूरे शिद्दत के साथ इसे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर फेंका 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक मोकल के बल्ले से, माकोल का बल्ला थोड़ा सा खामोश जरूर था, लेकिन यहाँ पर चौथे ओवर में गेयर यहाँ पर चेंज किए हैं और ये ओवर थोड़ा सा बड़ा साबित होता हुआ, क्योंकि अब तक हमने देखा 10 रन बन चुके हैं इस ओवर में, स्कोर इस समय जा पहुंचा है 36 रन, गेंदे अभी भी सिर्फ 2 हुई हैं, हरीश के ओवर में 4 गेंदे बाकी हैं अभी। और ये हमला कर दिया है मोकल ने एक बार फिर से, बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, सीमा रेखा हेमा जया सुषमा सभी को पार किया इस गेंद ने 6 रनों के लिए, बहुत ही लंबा स्ट्रोक। कीर्ति सर हमारे मित्र फेमस कमेंटेटर चंदू शेट्टे का एक पंच लाइन है, सीमा रेशा पार, लेकिन इस गेंद ने सीमा रेखा हेमा जया सुषमा सभी को पार कर दिया 6 रनों के लिए। वाह क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त यहाँ पर धुलाई चल रही है, क्योंकि 2 छक्के अब तक हरीश की गेंदों पर लगा चुके हैं, बैक टू बैक कह सकते हैं, एक वाइड जरूर था बीच में, लेकिन 2 वैलिड गेंदों पर 2 सिक्सर। ओहो क्या बात है, गेंद तक पहुंचने के लिए रिफ्लेक्सेस उतने ही अच्छे, क्योंकि अच्छे कदकाठे के खिलाड़ी हैं, 6 फुट लंबी हाइट है और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 1 रन ही मिलेगा लेकिन 2 रन, 44 देखते ही देखते 44 रन बन चुके हैं। अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, 2 रन लेना चाहते हैं लेकिन रन आउट हो सकते थे, अच्छा कॉल था यहाँ पर, अपने साथी बल्लेबाज को मना किया मोकल, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस समय रन आउट नहीं होना चाहेंगे क्योंकि इसके बाद अभी एक ओवर बाकी है, आखिरी ओवर में अगर मोकल स्ट्राइक लेंगे तो 2-3 बड़े, 1-2 बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, टीम का स्कोर 50 के ऊपर जा सकता है और ये 50 मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का पहला 50 होगा अगर ऐसा हुआ तो। और ये गेंद हवा में है, काफी बढ़िया कैच यहां पर लिखा, उल्टी उल्टी दिशा से दौड़े थे गेंदबाज हरीश, वो कैच दरअसल में सिद्धेश भोसले का था, बच्चू का था, लेकिन हरीश ने इस कैच को एंड किया। इस प्रकार से 4 ओवर की समाप्ति, 4 षटक संपले, 4 षटक का समाप्ति नंतर धाव संख्या धावन पोत ली थी 45 रन। और 50 रन बनाने का यहां पर सुनहरा अवसर है, 50 से भी ज्यादा रन बन सकते हैं, 55 भी बन सकते हैं, 60 भी बन सकते हैं, जिस प्रकार से मोकल यहां पर फॉर्म में है, 2 छक्के अभी भी उन्होंने लगाए हैं और यदि ये 50 बनते हैं एकेएम बॉयज के तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट की ये पहली 50 होगी मेरे ख्याल से। कल के दिन में जितने भी मैचेस हुए किसी भी टीम ने यहाँ पर 50 रन का जो एक लक्ष्य होता है वो पार नहीं किया था। यदि यहाँ पर एकेएम की टीम 50 रन बनाने में सफल होती है तो इस टूर्नामेंट की वो पहली 50 होगी और बहुत ही अच्छा टारगेट होगा ये। और मोकल इस समय स्ट्राइक पर, इनफॉर्म बैट्समैन मोकल इस समय स्ट्राइक पर, वो ये बड़े ही आराम के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पर शंका या शुभ की बात नहीं। पहली गेंद अजीबोगरीब तरीके से यहाँ पर
पटकी हुई गेंद बिल्कुल नो बॉल का इशारा अंपायर का, ये वन फॉर द ओवर, ओहो क्या बात है क्या बात है, हुआ आउट बोल्ड के ऊपर काफी सफल होकर गए थे, अच्छी लेंथ थी, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद थी और बढ़िया गेंद यहां पर गेंदबाज हर्षल की, खतरनाक साबित हो सकते थे यहां पर मौकल जिस फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, दो छक्के लगा चुके थे, ओपनिंग से ही बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज विनीत सिंह उर्फ गोलू, पांच गेंदें अभी बाकी हैं, विनीत के पास मौका होगा अपनी टीम का स्कोर जो है वो 50 के पार ले जाने का, एक बहुत ही बढ़िया मौका होगा, काफी सीनियर खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ी विनीत उर्फ गोलू, सीधे हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया था, मिडिल नहीं कर पाए थे, बहरहाल एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन 46 रन, नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो बॉल पर ये बढ़िया प्रहार है और ये 6 रन, वाह बैकफुट पर गए, अपने लिए जगह बनाई, अपने आप को समेटा, पीछे रखा और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक 6 रनों के लिए और ये नो बॉल थी, अगली गेंद फ्री हिट होगी, वाह क्या बात है। और ये 50 रन का टारगेट, 50 रन का आंकड़ा पूरी करते हुए मिता एकेएम की टीम पहली बार इस क्रिकेट प्रतियोगिता में 50 रन किसी टीम ने बनाए हैं, बहुत ही भारी स्कोर, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए स्कोर इस समय जा पहुंचा है 52 रन प्रतीक, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, छक्का लगा चुके हैं, अपने इरादों को जाहिर कर चुके हैं। ये फ्री हिट वाली गेंद थी, फ्री हिट वाली गेंद पर फिर से एक बार बढ़िया गेंद थी, पाटा स्ट्रोक खेला सामने की दिशा से ओवर द बॉलर सेट 2 रनों के लिए। नो बॉल का इशारा एक बार फिर से, डाउन द लेग साइड ये गेंद थी, वाइड बॉल भी हो सकती थी, नो बॉल, अगली गेंद फ्री हिट, रन बन नहीं रहे हैं ये कीर्ति सर, ये रन बह रहे हैं, रन बरस रहे हैं और भेंट यहां पर मितांशल उनके गेंदबाज दे भी रहे हैं, गिफ्ट के बाद गिफ्ट, गिफ्ट के बाद गिफ्ट, चौके छक्के भी लग रहे हैं, नो वाइड भी हो रहे हैं। गोलू थोड़ा सा फ्री हिट थी, फरदीन जो कि चौकन्ने थे, फ्री हिट वाली गेंद पर नॉट आउट, गोलू को एक जीवनदान जरूर है, देखना है कि उस जीवनदान का कितना लाभ उठा पाते हैं गोलू, काफी दिनों के बाद क्रिकेट खेलने आए हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन 57 रन, कितनी बॉल बाकी है 57, अंपायर एक सेकंड ओवर हो गया ना, कितनी बॉल बाकी है, लास्ट बॉल बाकी है का, दोन ओवर झाली,
ओवर ओवर झाली आहे. पहिला चेंडू वाईड होता की वन फॉर दी ओव्हर होता तो एक थोडासा या ठिकाणी कन्फ्युजन होता, तो कन्फ्युजन क्लिअर झाला आणि वन बॉल टू गो. विनीतने यहाँ पर जरूर स्ट्रोक लगाया लेकिन आसान कॅच गेंदबाज के लिए, नो चेंजेस. मितान शिवलन काय करते ते पुढील आवाज. बंदर क्रीडा महोत्सव 2021 आजच्या दिवसामध्ये ठीक सायंकाळी 4 वाजता संघर्ष सदन येथे रांगोळीची स्पर्धा असेल, तरी अजूनही ज्या या फेरबंदरमधील बंधू भगिनी त्यांची कोणाची नावं द्यायची असतील तर स्टेजजवळ येऊन आपण नावांची नोंद करायची आहे, ही नम्र विनंती आहे. धन्यवाद. रनों का पीछा करना इस मुकाबले को जीतने के लिए निशांत 11 को अभिनंदन ने. एकेएम बॉयज 58 रन बनाए थे और 59 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता हुआ निशांत बनाम एकेएम बॉयज जूझते हुए आमने सामने, और जबरदस्त मुकाबला. कहते ना सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, और दिन की शुरुआत हो चुकी है एक धमाकेदार आगाज से. 59 रनों का लक्ष्य रख दिया है एकेएम बॉयज ने. एक जबरदस्त शुरुआत निशांत 11 के. दोनों ही बल्लेबाज इस समय क्रीज पे जाते हुए. सिद्धेश
फाइटर और साइकर भांडुप और स्पर्श इलेवन दोनों टीमों के कप्तान तैयार है। आप टीम लिस्ट निखिल के पास आया और टीम लिस्ट दे दिए आप, तो चलिए सिद्धेश और गोविंदा सोनू शर्मा पारी का पहला ओवर खारा वाला एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामने एक घातक फला बल्लेबाज सिद्धेश भोसले उर्फ बच्चू एक बेहतरीन सितारा। बिल्कुल शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। सोनू शर्मा पारी का पहला ओवर डालेंगे और स्ट्राइक पर सिद्धेश भोसले उर्फ बच्चू। बिल्कुल कहते हैं ना जियो का टावर और बच्चू और गोविंदा का पावर अब देखने लायक बनता है। अब एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। पहली गेंद हवा में है, मौका है और यहां पर कैच हो सकता है। ओह हो, बड़ा विकेट। पहली गेंद शून्य पर विकेट गिरा। सिद्धेश भोसले बैक टू द पेविलियन। दिस इज अ बिग फिश। नए बल्लेबाज संकेत बेहतरीन शॉट मिड ऑन और मिड ऑफ से बीच से निकाली हुई गेंद अंदर गई है। नवनाथ दो रन मिलेंगे। बिल्कुल अगर गेंद अंदर जाती है वन बाउंस भी तो भी दो रन मिलेंगे और पत्रे पर भी गिरेगी तो भी दो रन और आरोग्य भवन है उस पर भी दो रन है। बेहतरीन शॉट क्रॉस बैटेड हवा में गेंद थी बिल्कुल हवा के साथ साथ घटा के संग संग और ये पहला सिक्सर। संकेत ने अपने अच्छे संकेत दे दिए है। बिल्कुल कहते ना शॉट देखने को मिला जैसे गेंद हाफ ट्रैकर गेंद थी पूरा तरह से पुल किया। बेहतरीन शॉट उंदा बल्लेबाजी। फिर एक बार इसी प्रकार की गेंद थी थोड़ा सा हाइट था गेंद को अंपायर ने कहा कि थोड़ी सी ऊपर लग रही थी गेंद। एक लेग पाई का रन मिलेगा। बिल्कुल अंपायर रवि चेंदवनकर और नवनाथ जगताप दो ऑन फील्ड अंपायर से हमारे आज के दिन के लिए नासिर शेख और प्रवीण शिंदे ये जो अंपायर के बागडोर है वो संभालेंगे। और जबरदस्त शॉट इस बार इनसाइड आउट खेला है कवर के फील्डर नीचे आते हुए कोई गलती नहीं करेंगे और गोविंदा बैक टू द पेविलियन और ये दूसरा विकेट गिरा है यहां पर।
थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज फरजीन काजी नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। फिलहाल संकेत स्ट्राइक पर, दो खिलाड़ी गमा चुका है। ओह बेहतरीन शॉट, इस बार देखना होगा आरोग्य भवन में गई है गेंद, एक ही रन मिलेगा। डिक्लेयर जोन में गेंद गई है, इस एक रन के साथ स्कोर हो चुका है, 10 रन बन चुके हैं और पारी के दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं निशांत 11 के। मितांश 11 स्ट्राइकर्स और स्पर्श 11, बोथ द कैप्टन्स प्लीज इमीडिएटली कम फ्रंट ऑफ द स्टेज, वी हैविंग द टॉस एंड टीम लिस्ट रिक्वायर। बिल्कुल चला, वेळ वाया घालवायचा नाहीये, 25 मिनिटाची अवधी आहे आपल्याकडे, अदरवाइज यू कैन पैनलाइज। स्ट्राइकर फरदीन काजी गेंदबाजी पर, आशीष खारावाला एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे। 10 रन बन चुके हैं अभी भी इस समय रन बनाने हैं, वो 49 रन बनाने हैं, 49 मोर रन्स रिक्वायर चार ओवर में। 49 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए, काफी लक्ष्य दूर है, कठिन है, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ये मुकाबला जीत सकोगे। बड़े बड़े शॉट आने जरूरी है, चौके और सिक्सर लगने जरूरी। पहली गेंद और लेग स्टंप की छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा के खाते में जुड़ेगा। पहली गेंद थी, बिल्कुल थोड़ा सा कंधों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे आशीष। इस विकेट पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको सफलता मिलेगी, वही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सामने फरजीन काजी इस समय और संकेत नॉन स्ट्राइकर पर, दोनों ही मजे हुए बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट लगाने में माहिर है और लगा भी सकते हैं। और ये पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, 11 रन बन चुके हैं। फिर एक बार बिल्कुल लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, एक रन लेग बाई के स्वरूप में मिलेगा, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बन चुके हैं। बिल्कुल अभी भी मंजिल काफ़ी दूर है और अच्छी गेंदबाजी करते हुए आशीष, पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद दूसरी गेंद पैरों पर लगकर एक फाइन लेग पर गई, सिंगल मिला, इस सिंगल के साथ एक रन खाते में जुड़ा, खाते में जुड़ने के बाद स्कोर हुआ 12 रन बने हैं। एक ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट, बिल्कुल ओ क्लीन बॉल, यस, फरदीन काजी ऑफ स्टंप पर गए थे और बिल्कुल अच्छी रन। दूसरा विकेट गिरा यहां पर फरदीन काजी के रूप में और बिल्कुल अब थोड़ा बैकफुट पर ढकेला है, स्कोर 12 है, अब तक 12 रन बने हैं, बिल्कुल बैकफुट पर ढकेल दिया है। एकेएम बॉयज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट डूइंग अ मार्वेलस बॉलिंग एंड डूइंग अ फैंटास्टिक बैटिंग। तो बेहतरीन बल्लेबाजी भी की, उसके बाद गेंदबाजी में भी जौहर दिखा रहे और मितांश 11 को कोई मौका नहीं दे रहे कि रन बनाए। और नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए, जगदीश एक धड़ाकेबाज विस्फोटक बल्लेबाज आए हैं। बिल्कुल आज संडे का दिन है, सभी का दिन होता है, हर दिन दिवाली नहीं होती, क्योंकि हर दिन सबका होता नहीं है, कभी बैट चलती है तो कभी बैट नहीं चलती है। लेकिन आज जगदीश की बैट को मौका है, अब बैट को चलाना भी पड़ेगा, रन भी बनाने पड़ेंगे।
अच्छी गेंद थी बिल्कुल लेग स्टंप पर गेंद, बिल्कुल कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा, स्क्वायर लेग पर सिंगल आता हुआ, एक एक रन इस समय कीमती है, 59 रनों का पीछा करना है आपको। और जबरदस्त शॉट और वहां पर गेंद गई है, अंदर गई है, एक रन मिलेगा, डिक्लेयर जोन में गेंद गई है। बिल्कुल अगर खारा वाला के ऊपर जाती तो शायद दो मिल सकते थे, लेकिन एक ही रन मिलेगा। जो टावर्स है वो टावर के पीछे गिरी गेंद, सिंगल है, 14 रन बन चुके हैं। ओह बेहतरीन गेंद थी बिल्कुल आशीष की, अच्छी गेंदबाजी और जबरदस्त गेंदबाजी आशीष की, लाजवाब गेंदबाजी। 14 रन बने हैं दो ओवर की समाप्ति के बाद, 14 रन बने हैं बिल्कुल, अब 3 ओवर का खेल अब बचा हुआ है। पैंतालीस रन और बनाने हैं इस ओवर में आशीष ने। केवल 4 ओवर का ये, 4 रनों का ओवर आया, बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी, अभी भी 45 रन दूर है, 18 गेंदे 45 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं। अब 18 गेंदे और 45 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18 बॉल्स टू गो, 45 मोर रन्स रिक्वायर, इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो दिस। हेलो गेंदबाजी पर रिजवान, स्ट्राइक पर जगदीश और जबरदस्त शॉट, क्रॉस बैटेड, वन बाउंस, मिड विकेट के फील्डर के पास गई गेंद। बिल्कुल कहते हैं ना, बाप की लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा लिखता है माय वाइफ इज माय लाइफ, बिल्कुल लेकिन यहां पर रन बनाने पड़ेंगे आपको। फुल टॉस, लाजवाब, बेमिसाल हवाई फायर, ओ क्या कैच लपका है, जबरदस्त, और देखना थांबायचं आहे, थांबायचं आहे प्लीज। चालू आहे ना थर्ड अंपायर बघतोय ना,
त्याने फक्त कॅप्टन या, प्लीज कॅप्टनच फक्त या, प्लीज कॉपरेट करायचं आहे. एवढं चांगलं टुर्नामेंट खेळत आहेत आपण, कॉपरेट करा. स्पर्श इलेवन अगर आप आए हो तो आपकी टीम लिस्ट लेके आ जाए प्लीज. स्ट्राइकर्स की आ चुकी है टीम लिस्ट ऑलरेडी. स्पर्श इलेवन वी हैविंग द योर टीम लिस्ट एंड योर कैप्टन, प्लीज इमीडिएटली कम फ्रंट ऑफ द स्टेज. हेलो, तो आखिरकार बल्लेबाज आउट है. बिल्कुल अच्छा कैच, एक ब्लाइंडर कैच लपका गया है.
बिल्कुल कैच के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच, लगता था कि एक समय सिक्स चला जाएगा लेकिन एक हाथ से जे कट्टे वर बसले तिथे उठून जावा, कट्ट्यावर जेवढे बसले तेवढे उठून जावा प्लीज। किरण जाधव सगळ्यांना पाठी घ्यायचंय तिथून, आणि तो लहान मुलगा त्याला पण पाठी घ्यायचंय। टेमकर तुझ्या पाठी तो मुलगा त्याला पाठी घे। सर्वांनी मागे व्हायचंय, पडद्याच्या मागे व्हा, कपड्यावर हात लावू नका कोणी, कपड्यावर हात लावू नका कोणी। नए बल्लेबाज आदित्य, स्कोर हो चुका है इस समय 15। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ अब आदित्य आए हैं, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, बिल्कुल 59 रन बनाने हैं बिल्कुल, लेकिन लगता है सोडे की बोतल की तरह जोश अब खत्म हो चुका है। और इस बार अच्छी गेंद थी, टॉप एज लगा और फाइन लेग पर गई, गेंद एक रन मिलेगा, बिल्कुल एक ही रन से संतुष्ट रहना भी पड़ेगा। इस एक एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन बन चुके हैं, अभी भी 43 रनों की जरूरत है, काफी लंबा लक्ष्य। तैतालीस रन और बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए, 43 रन गेट टू विन दिस कॉन्टेस्ट एंड वेरी लॉन्ग वे टू गो देयर, एंड दिस इज अ थर्ड ओवर अंडर प्रोग्रेस एंड आफ्टर दिस ओवर मोर टू ओवर्स टू गो देयर, यानी कि इस ओवर के बाद दो ओवर का खेल अभी भी बाकी है, आने वाली दो ओवरे और ये ओवर मिलाकर आप रन बनाने पड़ेंगे आपको। स्ट्राइकर्स और स्पर्श 11 टॉस के लिए आ जाए, लाजवाब लाजवाब, प्रभाकर नगर में गेंद गई है, उठा के लाइए जाइए, और ये ताबड़तोड़ शॉट, जबरदस्त शॉट, उंदा शॉट, बिल्कुल कहते ना जली को आग कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, जिस बल्ले से रन बसते उसे आदित्य भाई कहते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी, चार गेंदे 22 रन बन चुके हैं, तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ, आदि डूइंग अ मार्वलस जॉब, कहते हैं ना हर चीज कीमत, हर चीज की कीमत समय आने पर ही होती है, मुफ्त का मिलता हुआ ऑक्सीजन अस्पताल में बहुत महंगा मिलता है, तो भैया ऑक्सीजन यहाँ पर महंगा नहीं, सिक्सर महंगा पड़ा है आपको। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, एक बिंदी गेंद आती हुई, जितनी भी बिंदी गेंदें जाएगी दबाव आता जाएगा बल्लेबाजों पर, वो बल्लेबाजों से मुक्ति पानी होगी, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, चौके सिक्सर जड़ने पड़ेंगे। हेलो हेलो, आखिरी गेंद, ओह फुल टॉस, लेकिन यहां पर मिलेगा मात्र सिंगल, बिल्कुल बैट पे आई थी, बैरर चेक था, कैश करवाया केवल एक रन से, अब 12 गेंदों का खेल शेष है और रन बन चुके इस समय 23 रन बने हैं, अभी भी 36 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइकर्स और स्पर्श 11
टॉस के लिए आए स्ट्राइकर्स और स्पर्श इलेवन बोथ द कैप्टन इमीडिएटली कम फ्रंट ऑफ द स्टेज गाइस लास्ट वार्निंग फॉर यू तेवीस धावा झालेले आहेत तेवीस धावा अजूनही छत्तीस धावांचं आव्हान पेलायचं आहे बारा चेंडू छत्तीस धावा एवरीथिंग इज पॉसिबल क्रिकेट इज अ व्हेरी फनी गेम अच्छी गिनती बिल्कुल थोड़ी सी नीची रही बिल्कुल अब 11 गेंदें बची हुई है रन बनाने हैं 36 11 बॉल्स टू गो 36 मोर रन्स रिक्वायर स्टिल नीड सम 4 एंड 6 इस बार अच्छी गिनती स्लिप हो चुके हैं लेकिन कोई रन नहीं आया बिल्कुल अभी भी 10 गेंदें बची हुई है 36 रन बनाने हैं बिल्कुल कहते हैं ना वक्त आपका है चाहे तो सोना बना लो या तो फिर सोने में गुजार दो तो वक्त आपका है आपके पास वक्त है 10 गेंदें भी है और रन बनाने हैं आपको 36 जबरदस्त शॉट हवाई फायर ओहो लाजवाब लाजवाब बिल्कुल ये देखे जाएगी 6 रन बिल्कुल लाजवाब शॉट देखने को मिलता हुआ जगदीश का बल्ला बोल रहा है 29 रन बन चुके हैं 9 गेंदे और 30 रनों की जरूरत स्ट्राइकर ने टॉस जीता है और डिसीजन पेंडिंग है ओहो लाजवाब बैक टू बैक हवाई फायर वाह हवा के साथ साथ बिल्कुल दो सिक्सर लगने के बाद कहते ना आग लगा देंगे उस बस्ती को आग लगा देंगे उस बस्ती को जो पहचान न सके जगदीश की हस्ती को जबरदस्त जबरदस्त मैच गर्माता हुआ अब ओह लाजवाब हवा में गेंद क्या छूटा यहां पर ओ मौका बन सकता है मौका बन सकता है ओ ये बिल्कुल रन आउट हुए हैं बिल्कुल पहले मौका था रन ले सकते थे आधे क्रीज में आए थे उसके बाद पीछे गए लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि आर यू एन ओ यू टी आप बैक टू द पेविलियन बिल्कुल स्कोर हो चुका है इस समय राहुल उर्फ गोपी नए बल्लेबाज 36 रन बन चुके हैं 23 रन और बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए कुछ भी हो सकता है बिल्कुल कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है जब मैंने आजमाया तो पता चला दुनिया मतलब से चलती है भैया अच्छी गेंदी क्या बात है लाजवाब गेंदबाजी और पारी के ओवर खत्म हुए ये चौथा ओवर खत्म हुआ
आखिरी ओवर का खेल अब बचा हुआ है, इट्स विल बी अ लास्ट ओवर। 23 रन बनाने हैं, 6 गेंदे और 23 रन, कुछ भी हो सकता है भैया। अभी रात बाकी है, बात बाकी है और पिक्चर अभी बाकी है। कहते हैं ना फिल्में तीन चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, और क्रिकेट चलता है सिर्फ रन रन और सिर्फ रनों से। कहते हैं ना ईट का जवाब पत्थर से देंगे और गेंद का जवाब बल्ले से देंगे, लेकिन मितान शिलावन अभी भी खामोश है। आखिरी 6 गेंदे, दिलों की धड़कन अब बढ़ती हुई, बिल्कुल मानो आईसीयू में इस समय मितांश 11 है, क्योंकि जनरल वार्ड में आने के लिए 23 रन तो उनको बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब वेंटिलेटर लगा हुआ है, सांसें भी फूल रही है कि क्या होगा, किस तरफ ये मैच जाएगा। प्रतीक लाड, अपकमिंग यंगस्टर, नया खिलाड़ी, नया जोश, नई उमंग, नई तरंग, ये है प्रतीक। 6 गेंदे और सामने है आदित्य। बिल्कुल आदित्य के लिए कुछ कहना चाहूंगा, जिंदगी का एक असूल है, जिंदगी का एक असूल है, याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पे रखना। बिल्कुल भरोसा अब आदित्य पर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आदित्य है तो सब कुछ है। ये मौका है, ये कर गुजरने की कुछ तमन्ना रखते हो तो आज 6 गेंदों पर 23 रन बना के दिखाओ। और यहाँ पर यंगस्टर प्रतीक, ओ पहली गेंद थी, बिल्कुल बाई का इशारा आता हुआ, अभी भी 5 गेंदे बची हुई है, 22 रन बनाने हैं, 5 गेंदे 22 रन, कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष, लेकिन पहली गेंद थी, एकदम सटीक गेंद थी, आगे की थी, कोई मौका नहीं दिया हाथ खोलने का आदित्य को। जबरदस्त गेंदबाजी, खारा वाला एंड की ओर से गेंदबाजी होती हुई, फुलटा सो कड़क 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 कड़क, और देखे जाएगा, बिल्कुल अंपायर का इशारा, एक ही रन मिलेगा। बिल्कुल एक रन मिलता हुआ, 37 रन बन चुके हैं, 38 रन बन चुके हैं, 4 गेंदे 21 रन, बिल्कुल 4 गेंदे 21 रन, स्टिल 4 बॉल्स टू गो, 21 मोर रन्स रिक्वायर, बिल्कुल बिल्कुल तिथे कमिटीचे प्लेयर आहेत तिथे, प्लीज कोणी कॉपरेट करा, गोपी गोपी कॉपरेट करा, आदित्य आदि सिद्धेश, सिद्धेश थोडेसे मागे सरकव त्यांना, चार गेंदे 21 रन, और ये गेंद बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी, पूरा वाइड है, अगर बाहर से गेंद जाती तो शायद वाइड मिलती। अब हर एक गेंद पर प्रहार करना है आदि, पीछे मुड़कर देखना नहीं। कहते ना जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष है तो कोशिश है, और कोशिश है तो फिर परिश्रम तो है ही, करना पड़ेगा आपको। इस बार सिंगल आता हुआ, लेकिन सिंगल से दर्द नहीं होगा एकेएम बॉयज को, जबरदस्त। अब मात्र 2 गेंदों का खेल शेष है, 20 रन बनाने हैं, 2 गेंदे 20 रन, एकेएम बॉयज जीत की दहलीज पर दस्तक देता हुआ, और 2 गेंदे और 20 रन ये बनाना है, ये समीकरण है मैच का। हेलीकॉप्टर आया, लेकिन 1 रन पूरा किया है,
सिंगल रन बना है, अब एक गेंद और 19 रन। चलिए ये केवल औपचारिकता बची है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है ओवर की। एक गेंद और 19 रन। जबरदस्त शॉट, अब ये आया है सिक्सर, बिल्कुल आखिरी गेंद पर सिक्सर आया। वेरी हार्ड लक एंड वेरी टफ लक।